सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है, मैं हूं अनामिका। कोरोना काल में निच और जेई एग्जाम के साथ साथ आज एनटीए और एनए की भी परीक्षा होगी। आज यानी कि 6 सितंबर को पटना के 92 यानी कि 92 केंद्रों पर करीब 41,000 परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा की तैयारी को लेकर के जिला प्रशासन ने पूरी की पूरी तैयारी कर ली है। प्रमंडलीय आयुक्त पटना संजय कुमार अग्रवाल ने शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा के संचालन के लिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। 6 सितंबर यानी कि आज फर्स्ट सिटिंग में सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और सेकंड सिटिंग में दोपहर 2 बजे से लेकर के शाम के 4:30 बजे तक दो शिफ्ट यानी कि दो पाली में 92 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 41,000 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। संघ लोक सेवा आयोग के निर्देश के आलोक में परीक्षा हॉल परीक्षा केंद्र के परिसर में मोबाइल फोन प्रतिबंधित है यानी कि रिस्ट्रिक्टेड है। परीक्षा में किसी भी परीक्षार्थी को मोबाइल फोन पेजर या फिर अन्य किसी भी प्रकार के किसी संवाद उपकरण को परीक्षा भवन में ले जाने की अनुमति नहीं है। उल्लंघन करने वाले परीक्षार्थी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ परीक्षा केंद्र में पर्यवेक्षक सहायक, पर्यवेक्षक शिक्षक एवं परीक्षा से जुड़े कर्मी को भी परीक्षा हॉल कमरे में मोबाइल फोन या फिर कोई भी दूसरे तरीके के संवाद उपकरण को अंदर ले जाने की परमिशन नहीं है। परीक्षार्थी को परीक्षा शुरू होने के निर्धारित समय से 10 मिनट पूर्व पहले यानी कि प्रथम पाली 9:50 पूर्वाह्न एवं द्वितीय पाली 1:50 अपराह्न यानी कि दोपहर के बाद परीक्षा केंद्र के परिसर में प्रवेश की एवं उपस्थिति परीक्षार्थी को परीक्षा समाप्ति के पूर्व परीक्षा हॉल कमरा छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा की सशक्त एवं प्रभावी मॉनिटरिंग हेतु आयुक्त कार्यालय पटना प्रमंडल पटना में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जिसका दूरभाष नंबर है, संख्या है 0612221902052333578 है। प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी पटना और वरीय पुलिस अधीक्षक पटना द्वारा संयुक्त आदेश जारी कर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। नामिका को दीजिए इजाजत।